बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नमक मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी ब्रेड रोल की रेसिपी। ये खाने में इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं कि जो एक बार खा ले तो उसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाता। इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, आप ही इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। इन्हें अच्छे से धो के बॉयल कर लें और इन्हें मैश कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। अब बारी है मसालों की, तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच रेड मिर्चें, हल्दी, नमक, खुश्क धनिया, धड़ा मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्रेड रोल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो जब कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप उनके लिए झटपट से ये ब्रेड रोल बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रोल शेप में बनाते जाएंगे। आप यहाँ पर कोई और शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखें, आलू का रोल बन के तैयार है। ऐसे ही सारे रोल बना लेंगे। तो अब हम इनकी कोटिंग करने के लिए 3 से 4 चम्मच मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। अब बारी बारी एक एक रोल को इसमें डिप करते जाएंगे। तो अब हम इसको ब्रेड में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखें, हमारा एक रोल तैयार है। ऐसे ही सारे रोल कोट करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे रोल बनके तैयार हैं। तो अब बारी है फ्राई करने की। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके रोल ऐड करेंगे। तो अब इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर इनका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।